झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। नकली सोने के नाम पर ठगी करने वाले धरे गए। मंडरेला पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालोर और पिंडवाड़ा के रहने वाले हैं आरोपी। अक्टूबर माह में की थी मंडरेला के एक व्यक्ति के साथ ठगी। दो तीन से दोबारा उसी व्यक्ति से करना चाह रहे थे ठगी। मंडरेला पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को किया गिरफ्तार। ठगी और भी कई वारदातें खुलने की संभावना। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नकली सोने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने राजफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों से सोने की नकली चैन भी जब्त की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिनसे और भी खुलासे संभव हैं। जानकारी के मुताबिक मंडरेला निवासी इमरान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पिता और भाई से अक्टूबर माह में दो अज्ञात व्यक्ति आकर दुकान पर मिले थे, जिन्होंने एक हवेली की खुदाई में सोना निकलने की बात कही। आरोपियों ने उसके पिता को 1.5 किलो सोना 15 लाख रुपए में देने का झांसा दिया, जिसके बाद उसके पिता हरियाणा के सिवानी गए और 1.5 किलो सोना 5.25 लाख रुपए में ले आए, लेकिन आकर चेक किया तो वो नकली निकला। इसके बाद अब दोबारा दो और व्यक्ति 2-3 दिन से उनके पास आ रहे थे, जो फिर से उसके पिता को 1.5 किलो सोना 20 लाख रुपए में बेचने के लिए झांसे दे रहे हैं, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और इस गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना इलाके के रहने वाले देवीलाल उर्फ देवा, जालौर जिले के रामसीन थाना इलाके के बागोरिया और बास निवासी चंद्रमल नारायण तथा सुरेश हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें गिरोह के अन्य सदस्यों और साथ ही अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जाएगी। अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल इमरान खान निवासी मंडरेला ने रिपोर्ट दी थी कि उसके पापा और भाई यहाँ मंडरेला में दुकान करते हैं, जहाँ अक्टूबर महीने में दो व्यक्ति आए थे, जिन्होंने कहा था कि खुदाई के अंदर हमारे सोने के सिक्के निकले, सस्ते दामों में आपको दे देंगे। और उसके बाद उन्होंने 4,75,000 रुपये में सोने जैसे दिखने वाले सिक्के दिए। बाद में इन्होंने जाँच कराई तो पता चला कि वो सिक्के नकली हैं। इसके बाद दोबारा अब इनके पास 2-3 दिन से व्यक्ति आ रहे थे, जो वैसी बातें कर रहे थे कि हम सोने की चैन देंगे सस्ते दाम पे। तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने FIR दर्ज की और फिर पता चला कि ये इस तरह के लोग हैं, गैंग है, जो अभी झुंझुनू जिले में कहीं घूम रही है। तो फिर थाने से, DST से और साइबर सेल से अलग अलग टीमें गठित की गई, पता किया गया, फिर इनको दस्तियाब कर विस्तृत अनुसंधान किया तो इन चारों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने पर आज गिरफ्तार किया गया है। 4 में से 3 जालौर के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति है वो पिंडवाड़ा का रहने वाला है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है वो मंगवाया जा रहा है और ऐसी इन्होंने कहाँ कहाँ वारदातें की हैं, कितने समय से कौन इनकी गैंग में शामिल है, क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी है, ये सारा पुलिस रिमांड लेकर के और विस्तृत इसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा।